नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल में टू टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। मायावती बोली, लोग मुझे देवी मानते हैं। दयाशंकर के खिलाफ एफआईआर कराकर बीजेपी जीत सकती थी दिल। चंडीगढ़ की बीएसपी नेता ने दयाशंकर की जुबान काट कर लाने पर 50 लाख के इनाम का किया ऐलान। चुनाव आयोग के सवालों पर फंसी दिल्ली सरकार, नहीं है संसदीय सचिवों के काम की जानकारी। किस संसदीय सचिवों के नियुक्ति के मामले में फंसी है केजरीवाल सरकार। जेडीयू सांसद शरद यादव का विवादास्पद बयान, कहा भारत की जाति व्यवस्था करती है तालिबानी सलूक। सुप्रीम कोर्ट में एक भी दलित जज नहीं तो दलितों को कैसे मिलेगा न्याय। दिल्ली में अगस्त के आखिर में होगा हेरिटेज लाइन पर मेट्रो का ट्रायल। दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगा हेरिटेज लाइन। साल के अंत तक यात्रियों के लिए खुलेगा हेरिटेज मेट्रो। और अगले 48 घंटे में रफ्तार पकड़ेगा मानसून। 23 जुलाई को मध्य महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश की संभावना। राजधानी दिल्ली में भी अच्छी बारिश की संभावना। और अब नजर डालेंगे आज की 5 बड़ी खबरों पर। बीएसपी प्रमुख मायावती ने खुद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले यूपी बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह पर एक बार फिर बयानों के तीर छोड़े हैं। मायावती ने कहा कि लोग न सिर्फ बहन की तरह उनका सम्मान करते हैं बल्कि उन्हें देवी भी मानते हैं। बीजेपी नेता ने ऐसा बयान देकर शर्मनाक काम किया है। उन्होंने कहा, मैंने कभी लोगों से इस सड़क पर आने के लिए नहीं कहा, लेकिन ये उनका सम्मान और गुस्सा ही है जो आज लखनऊ और देश के दूसरे हिस्सों में देखने को मिला है। दयाशंकर के खिलाफ कार्रवाई पर उन्होंने कहा, बीजेपी ने उनके खिलाफ एक्शन तो लिया है लेकिन मुझे उम्मीद थी कि पार्टी अपने उपाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मायावती ने कहा, अगर बीजेपी के नेता दयाशंकर सिंह के खिलाफ खुद एफआईआर दर्ज कराते तो वो मेरा दिल जीत सकते थे। पार्टी से निकाल देना एक सामान्य बात है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ कहे गए अपशब्दों के विरोध में बसपा कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में जमकर बवाल मचाया। बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। ये कार्यकर्ता बीजेपी का दफ्तर घेरने जा रहे थे, हालांकि पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस बीच चंडीगढ़ से पार्षद और बीएसपी संयोजक की पत्नी जन्नत जहां ने ये बयान देकर सनसनी फैला दी कि जो कोई भी यूपी के पूर्व बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की जुबान काट कर लाएगा उसे वो 50 लाख का इनाम देगी। दरअसल दयाशंकर सिंह ने मंगलवार को टिकट बिक्री मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मायावती जिस तरह से मोल भाव कर रही है, इस तरह एक वेश्या भी अपने पेशे को लेकर नहीं करती। बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता दयाशंकर पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस दयाशंकर की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस सबसे पहले लखनऊ के केसरबाग स्थित उनके आधिकारिक आवास पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं मिले। वहीं लखनऊ में धरने पर बैठे बीएसपी नेताओं ने प्रशासन के आश्वासन के बाद अपना धरना खत्म कर दिया है। लखनऊ के डीएम ने 36 घंटे में बीजेपी नेता दयाशंकर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस बीच पुलिस ने दयाशंकर तक पहुंचने के लिए उनके भाई धर्मेंद्र सिंह को बलिया से हिरासत में लिया है। बलिया में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। राज्यसभा में जेडीयू सांसद शरद यादव ने कहा कि भारत के सभी विश्वविद्यालय में दलित छात्रों के साथ जुर्म और भेदभाव होता है। रोहित वेमुला ने अपमानित होकर ऐलान किया कि मेरा जन्म ही मेरा अपराध है। उन्होंने कहा, हम तालिबान की बहुत चर्चा करते हैं लेकिन इस देश की जाति व्यवस्था भी तालिबानी सलूक करती है। दलितों पर हो रहे हालिया हमलों पर हो रही चर्चा के दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज गाय भैंसों का इलाज मुश्किल हो गया है लेकिन ये अपने आप को गोरक्षक कहते हैं। दलितों पर रोज जुल्म होते हैं लेकिन राज्यसभा में केवल चर्चा होती है, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। दलित महिलाओं पर रोज अत्याचार होता है, रोज कहीं ना कहीं दलितों के सम्मान को चोट पहुंचाई जाती है। उन्होंने कहा कि दलितों को न्याय कैसे मिले जब सुप्रीम कोर्ट में एक भी दलित जज है ही नहीं। 21 संसदीय सचिव के मसले पर अब दिल्ली सरकार ने केंद्रीय चुनाव आयोग को अपनी ओर से आधिकारिक जवाब दे दिया है, लेकिन रोचक बात यह है कि दिल्ली सरकार ने कुछ अहम तथ्यों पर साफ साफ जवाब देने से बचते हुए सवालों को ये कहकर टाल दिया कि इन संसदीय सचिवों से मंत्री काम लेते हैं और वही बता सकते हैं कि इन संसदीय सचिवों से कौन सा काम लिया जा रहा है।
और प्रशासन विभाग को संसदीय सचिव के कामकाज की जानकारी नहीं है। इन सचिवों को कौन सी सुविधाएं मिल रही है उस पर भी विभाग ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में वो इन विभागों से जानकारी लेकर चुनाव आयोग को बताएंगे, जिन विभागों के साथ ये संसदीय सचिव काम कर रहे हैं। अब देखते हैं खबरें जल्दी जल्दी। दिल्ली मेट्रो की हेरिटेज लाइन भी अब तैयार होने वाली है। आईटीओ से कश्मीरी गेट तक ये लाइन पूरी तरह अंडरग्राउंड है, इसके लिए टनल तैयार कर ली गई है। ट्रैक बिछाने के बाद अब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अंतिम चरण में है। डीएमआरसी के सूत्रों के मुताबिक इस लाइन पर अगस्त के आखिर में ट्रायल रन शुरू होगा, जो करीब 2 महीने चलेगा। ट्रैक ओएचई और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच के बाद कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी इस लाइन का निरीक्षण करेंगे और अगर हरी झंडी मिलती है तो इस साल के आखिर तक लोगों को इस लाइन पर मेट्रो के सफर की सुविधा मिल जाएगी। इस लाइन पर तमाम ऐतिहासिक इमारतों के होने से मेट्रो लाइन को हेरिटेज लाइन का नाम दिया गया है। आईटीओ के आगे दिल्ली गेट, जामा मस्जिद और लाल किला जैसे मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में अगले 48 घंटों में मानसून की बारिश में एक बार फिर तेजी आ जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मानसून हिमालय की तलहटी से खिसक दक्षिण दिशा की तरफ चलना शुरू कर देगा। इस वजह से जहां एक तरफ गंगा यमुना के मैदानी इलाकों में 22 तारीख की रात से मौसम बदलना शुरू हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ हिमालय के तमाम इलाकों में मानसूनी बारिश का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ मध्य भारत के तमाम इलाकों में भी 23 जुलाई से अच्छी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा और मानसूनी बारिश का ये दौर जुलाई के अंत तक चलेगा। राजधानी दिल्ली में बारिश का सिलसिला 23 जुलाई से देखने को मिलेगा। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।